तो आज अपन बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। तो इन्हीं के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें उनके जन्म की, तो 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था। 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ। बेदापोशी गांव है जो कि मयूरभंज जिले के अंदर पड़ता है। बेदापोशी गांव मयूरभंज जिला और ओडिशा राज्य के अंदर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और उनका जन्म जो हुआ वो संथाल जाति में हुआ, ठीक है। संथाल परिवार में उनका जन्म होता है। और उनके पिताजी का नाम था बिरंची नारायण टुडू। पिताजी का नाम क्या था? बिरंची नारायण टुडू, जो कि गांव के प्रधान हुआ करते थे। उनके पिताजी का, उनके दादाजी का नाम था नारायण टुडू, वो भी गांव के प्रधान ही हुआ करते थे। तो पिताजी और दादाजी दोनों गांव के प्रधान हुआ करते थे। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के विवाह की। तो द्रौपदी मुर्मू श्यामचरण मुर्मू के साथ में विवाह करती है वर्ष 1980 में। और श्यामचरण मुर्मू एक बैंक कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु 2014 में होती है बीमार रहने के कारण, ठीक है। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के संतान की। तो द्रौपदी मुर्मू की संतान कौन कौन है इसकी बात करें तो उनके दो बेटे और एक बेटी है। दो बेटों की बात की जाए तो वर्ष 2009 में लक्ष्मण मुर्मू की मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। और वर्ष 2014 में पति की मृत्यु हो जाती है। लगातार 5 सालों के अंदर 3 मृत्यु के बाद में उनको भारी आघात लगता है, भारी सदमा लगता है। और बात करते हैं 2015 की, तो देखो 2009 में लक्ष्मण मुर्मू की मृत्यु हुई, 2013 में दूसरे बेटे की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हुई, 2014 में पति की मृत्यु हो जाती है। और जो एक बेटी है उनकी, उनका विवाह 2015 में कर दिया जाता है गणेश चंद्र हेम्ब्रम के साथ में। बेटी का नाम था इतिश्री मुर्मू। बात करते हैं इतिश्री मुर्मू की, तो इतिश्री मुर्मू वर्तमान में भुवनेश्वर में रह रही है। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है वहां पर रह रही है। और इनका विवाह 2015 में कर दिया गया था गणेश चंद्र हेम्ब्रम के साथ में। और इतिश्री मुर्मू वर्तमान में यूको बैंक में कार्यरत है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की। तो द्रौपदी मुर्मू रमा देवी महिला विश्वविद्यालय जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है, तो इसी रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से बीए पास की है वर्ष 1979 में। अब तथ्य की बात करें तो तथ्य यह है द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इनके बारे में तथ्य है, ठीक है। 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है द्रौपदी मुर्मू को। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये रह चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख वर्ष, इनके जीवन में जो प्रमुख वर्ष थे उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं 1979 की, तो 1979 में रमा देवी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए पास किया था। बात करें 1994 की, तो 1994 में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर जो कि कहां पर पड़ता है? रायरंगपुर में पड़ता है, ओडिशा राज्य में, ठीक है। ओडिशा राज्य के रायरंगपुर में पड़ता है अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, तो वहां पर यह शिक्षिका का कार्य करती है, ठीक है, टीचर का कार्य करती है, ठीक है। और बात करें 1997 की, तो 1997 में रायरंगपुर जिले की पार्षद बनी थी, रायरंगपुर जिले की पार्षद बनी थी 1997 में। और 1997 से ही इनका जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू हो जाता है। बात करें 2000 की, तो सन 2000 के अंदर रायरंगपुर विधानसभा से ये विधायक चुनी गई और बीजेपी की सीट से विधायक चुनी गई। बात करें 2002 की, तो 2002 में ओडिशा राज्य में यह मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की मंत्री बनती है। 2009 में फिर से बीजेपी की टिकट से रायरंगपुर की विधायक बनती है। और बात करें 2015 की, तो 2015 में इन्हें झारखंड राज्य की राज्यपाल बनाया जाता है। और झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल यह बनी थी उस समय वर्ष 2015 में। और बात करें आज 2022 की, तो 2022 में इन्होंने भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और पद संभाला है। और भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति ये बनी है, तो इनके नाम यह भी खिताब है कि यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इनकी पूरी की पूरी जानकारी अपन ने ली है।